पुष्पा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। कानपुर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव से पहले शहरवासियों को 387.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क में बोटिंग समेत 174.12 करोड़ की 150 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 213.47 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। बीएसएसटी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मेट्रो सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेंगे। विजन 2047 सेल्फी पॉइंट में सीएम सेल्फी भी ले सकते हैं, इसकी भी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे लखनऊ से हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि पहुंचेंगे। सड़क मार्ग के बीएसएसटी कॉलेज पहुंचकर यहां बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे, कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आज 11:30 बजे लखनऊ से वो चंद्रशेखर विवि कॉलेज पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। चंद्रशेखर आजाद कृषि विवि के कार्यक्रम में पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर में कई विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री आज वीएसएसडी कॉलेज के मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान 330 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके लिए मैदान में 258 पत्थर लगाएंगे, जिसमें से 144 करोड़ से 102 कार्यों का शिलान्यास होगा। बता दें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहेंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर हैं आज। आपको बता दें कि प्रबुद्ध सम्मेलन में 51 लोगों से संवाद भी करेंगे आज। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर हैं और कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज 11:30 बजे से लखनऊ से रवाना होंगे, जहाँ वो बीएसएसटी चंद्रशेखर कॉलेज वीवी में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि आज कई परियोजनाओं और योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 330 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज कानपुर दौरे पर है। आपको बता दें बीएसएसटी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मेट्रो सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा भी लेंगे। विजन 2047 सेल्फी पॉइंट में वे सेल्फी भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर जा रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले वो शहरवासियों को 387.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क में बोटिंग समेत 174.12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 213.47 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। वीएसएसटी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मेट्रो सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेंगे। आज बता दें सुबह 11:30 बजे से लखनऊ हेलीकॉप्टर द्वारा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से वीएसएसडी कॉलेज पहुंचेंगे, यहां वैदिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर ही योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर
दौरे पर हैं। बीएसएसडी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मेट्रो सहित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लेंगे। विजन 2047 सेल्फी पॉइंट में वे सेल्फी भी ले सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले वो शहरवासियों को 347.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज 387.59 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क में बोटिंग समेत 174.12 करोड़ की 150 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, मुख्यमंत्री आज कानपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर? कानपुर में दौरा है कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर दौरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बुद्ध सम्मेलन 380 करोड़ रुपए की 272 करोड़ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के यहाँ से लगभग 30,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको सारी जनता के सामने रखेंगे। साथ ही साथ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के अलावा स्पोर्ट स्टेडियम है नौकायान है, इन सब चीजों को भी लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के साथ ही साथ जो भी कानपुर में जो प्रबुद्ध सम्मेलन में जितने भी प्रबुद्ध लोग आएंगे उनको भी सम्मिलित करेंगे। जी मुख्यमंत्री आज कानपुर वासियों को कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। ये स्मार्ट सिटी सहित मेट्रो स्टेशन सहित कई तमाम आज योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जी मैं बता दूं कि हालांकि जब से निकाय चुनाव की तैयारियां चालू हो गई थी उसे ठीक आचार संहिता से पहले योगी आदित्यनाथ ने खुद तमाम संभाली है। उसके मैं बता दूं कि जो योगी के कानपुर के मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, लगभग शहर वासियों को 387.59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सरकार देंगे। साथ ही पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क, बोटिंग समेत 174 करोड़ की 150 परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लगभग 213 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। और ये जो प्रोग्राम है बीएसएसडी कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्मार्ट मेट्रो सिटी और जो भी अन्य विभाग है जिनके स्टॉलों का जायजा लेंगे। 2047 के जो विजन पॉइंट में सेल्फी भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री लगभग 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और साथ ही बीएसएसडी कॉलेज के जो बौद्धिक सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ लगभग 2 घंटे कानपुर में रुकना होगा, 2 घंटे के बाद वहां से लखनऊ चले जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि जो योजनाएं हैं, लगभग मल्टी लेवल पार्किंग है, केएससीएल स्कूल कूड़ा प्रबंधन का काम है, फेज टू में तहत काम हो रहा है, और केसीएल वीआईपी रोड का विकास है, सुंदरीकरण का कार्य है, चिल्ड्रेन पार्क है और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए लगभग 32 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। लगभग 19.5 लाख के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कॉलेज स्थित यूजी बालिका के में जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया उसका लोकार्पण करेंगे। जी अनिल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके से वहां पर इंतजाम किया गया, क्योंकि कुछ ही देर में सीएम कानपुर पहुंचने वाले हैं, यहां से लखनऊ से निकलेंगे अभी कुछ ही देर में। जी बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कानपुर कमिश्नरेट में पूरी तरीके से कमर कस ली है और लगभग पूरा जो क्षेत्र है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगभग जितने भी पुलिस कमिश्नर, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सभी के सब घटना जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे मौजूद है और जगह जगह पे चेकिंग हो रही है, जांच हो रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं बिना जांच के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। साथ ही जो भी वीवीआईपी है उनको अलग व्यवस्थाएं दी गई है। 2 गेट बनाए गए हैं, 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट। जो 2 नंबर गेट है उसके आम जनता के लिए दी गई है और जो 1 नंबर गेट है उससे वीवीआईपी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बता दें कि हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ड्रोन कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा खुफिया जो एजेंसियां हैं वो भी लगी हुई है। जी अनिल, सीएम आज पीएम आवास की चाबी सहित कई लोन का चेक भी कई लाभार्थियों को देंगे आज। जी बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी कानपुर में मकान बनाए गए थे तो जो भी लाभार्थी हैं, नंबर लाभार्थियों को यहाँ पे उनकी चाबी दी जाएगी। चाबी के साथ साथ इसके अलावा और भी जो लाभार्थी हैं, जैसे स्कूलों को लेकर जितने भी लाभार्थी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और सभी को जिन्होंने सरकार का फायदा उठाया है उनको लाभार्थियों को उन सब फायदों का दिया जाएगा।
2047 के सेल्फी पॉइंट में सीएम शायद आज सेल्फी भी ले सकते हैं अनिल वहाँ पर। जी जी मैं बता दूं कि जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है उसमें 2047 रीजन के तहत योगी आदित्यनाथ सेल्फी पॉइंट का भी लोकार्पण करेंगे, साथ ही सेल्फी जो भी सेल्फी लोकेशन बनाई गई है उसके साथ फोटो भी लेंगे। और उसके बाद बता दूं कि जिस हिसाब से निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव के पहले अभी कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जितने भी जुड़े हैं सभी जाकर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, प्रमुख सम्मेलन में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं। और सीधा सा माना जा सकता है कि निकाय चुनाव को देखते ही प्रमुख सम्मेलन योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में सरकार को फायदा मिल सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। महज कुछ दिन पहले राजधानी में स्वच्छता के नाम पर एक विशेष अभियान चलाया गया, आपको बता दें जिसका एक विशेष अभियान चलाया गया जिसका नाम दिया गया 75 घंटे 75 निकाय। इस अभियान के तहत सफाई की एक नई मुहिम के साथ पूरे प्रदेश भर में 75 घंटों तक प्रशासन की तरफ से साफ सफाई की गई, लेकिन जैसे ही ये अभियान खत्म हुआ उसके महज 4 से 5 दिन के अंदर ही राजधानी के मुख्य सड़कों पर गंदगी का अंबार दिखना शुरू हो गया, जिससे प्रशासन के इस विशेष अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK जो सफाई के अभियान को लेकर दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं जब प्राइम TV में खबर चलने के बाद गुडम्बा थाने के सामने से कूड़ा उठाया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, सुशोभन अभियान चलाया गया था हाल ही में, जिस तरीके से अभी गंदगी का अंबार दिख रहा है। देखिए नंदनी, 75 घंटा और 75 जिलों का एक अभियान चलाया गया है, नगर सुशोभन अभियान। 1 तारीख को अभियान चलाया गया था 75 घंटों के लिए और 75 जिलों के लिए। जहां जहां पे गंदगियों का अंबार था, कूड़े का ढेर था, उन जगह को साफ सुथरा करा करके नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने निर्देश दिया था कि उस जगह को सेल्फी जगह बना दिया जाएगा या बागीचा बना दिया जाएगा या फूल पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगा दिया जाएंगे। इस तरीके से नगर सुशोभन अभियान चला करके करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा सकता है, हमारे किसी आप गंदगी का अंबार देख सकती है। ये लखनऊ का कुर्सी रोड है, यहाँ पर खड़े होकर के रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। वो इतनी गंदी जगह है कि जिसके लिए यहाँ पर आप साफ तौर पर देखिए कुर्सी रोड 250 है, सबसे बड़ी है और अपना खाना का मंदिर है, सामने कई सारे दुकान है जलपान गृह के। तो जिस तरीके से गंदगी उसका बाहर है, अब तो किस तरीके से नगर विकास मंत्री इन सेल्फी पॉइंट्स को बनवा रहे हैं, किस तरीके से वो बाग बगीचे बनवाने की कवायद कर रहे हैं, आखिर सफाई धरातल पर क्यों नहीं दिख रही है, जबकि ये मेन रोड का ये कूड़ा स्थल बन गया है। डेली की डेली यहाँ पर गाड़ियों से कूड़े घर की गिराए जाते हैं। आज खबर चलने के बाद प्राइम TV पर ये प्रशासन ज्यादा और यहाँ से 3 दिन के बाद कूड़ा उठान किया गया है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि सफाई का जो मामला है वो धरातल पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आज जहाँ साफ सुथरा था उस जगह पे बागीचे बना दिए गए, उसी जगह पे सेल्फी पॉइंट बना दिए गए। और नगर विकास मंत्री जी का ये भी कहना है कि उन जगहों पर जो वहाँ के क्षेत्र के निवासी हो उनसे सहयोग लें और सहयोग लेने के बाद उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए स्वच्छता अभियान का। तो लखनऊ स्मार्ट सिटी में एक कुर्सी रोड और गुड़म्बा थाने के सामने का ये वीडियो जो है, अब यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है मेन रोड का, तो गांव और देहात और क्षेत्रों में क्या साफ सफाई का वो होगा ये तो वक्त ही बताएगा, तो देखा ही जा सकता है। अब आप हमारे सामने लखनऊ में देखिए कि किस तरीके से सफाई का यहाँ पे नजारा दिख रहा है आपको हमारे पीछे। रणबीर जी रितेश, जिस तरीके से जैसे ही नगर निगम चुनाव नजदीक आया या डेट जैसे ही उसकी बढ़ती चली जा रही है, तुरंत प्रशासन एक्शन में आया, फिर इसके बाद 75 घंटे तक सफाई का अभियान चलाया गया, तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? देखो रितेश, 75 घंटे और 75 घंटे तक काम करना और 75 जिलों में, अरे सालों लग जाएंगे साफ सफाई करने में। 75 घंटे में कहां से उत्तर प्रदेश साफ कर लेंगे, लखनऊ तो साफ करके दिखाए, पहले लखनऊ में देख ले किस तरीके का गंदगी का अंबार है। हालांकि 75 घंटों में दावा किया है जरूर नगर विकास के मंत्री ने और उनके अधिकारियों ने, 750 निकायों में साफ सफाई कर पॉइंट बना दिए गए, वहाँ बच्चे के लिए खेलने कूदने की जगह बना दी गई। हालांकि ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने दिया है निर्देश अपने अधिकारियों को,
कि जहाँ तक सात माह में जहाँ जहाँ साफ सफाई की गई है उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर बाग बगीचे बढ़ा दिए जाए, योगाभ्यास का केंद्र बनाया जाए, घूमने टहलने की जगह बनाई जाए, जहाँ डिवाइडर और चीजें टूटी हुई है उसको बनवाया जाए, उसकी मरम्मत कराई जाए। तो अभी धरातल पर ये सब चीजें लखनऊ में नहीं दिख रही है, जबकि राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है, तो कैसे गांव और देहात क्षेत्रों में कार्य किया गया होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके का गंदगी का अंबार है, प्राइम टीवी ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लगातार 3 दिनों से प्राइम टीवी इस खबर को दिखाता आ रहा है। मैंने वीडियो में भी दिखाया, दिखाने की कोशिश की है, कुर्सी रोड पर 3 जगह कूड़े का डंप हो रहा है, एक सेंट मैरी हॉस्पिटल के पास भी कूड़े का डंप है, वहाँ पर भी अस्पताल है और बगल में स्कूल भी है, तो कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का भी बड़ा कारण है। आखिर क्यों नहीं नगर विकास विभाग, नगर आयुक्त लखनऊ के इस जगह को चिन्हित कर रहे हैं, जबकि लगातार खबर दिखाई जा रही है प्राइम टीवी पर, इस जगह पर अभी भी कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, इस जगह पर अभी भी गंदगी है मेरे पीछे, यहाँ पर क्यों नहीं सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं कोई जन बनाई जा रही है, क्या कारण है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार को इस ओर केंद्रित करना चाहिए, उनका ध्यान इधर दिखाना चाहिए कि आखिर यहाँ किसी न किसी तरीके की समस्या न पैदा हो, जबकि ये कुर्सी रोड का स्टेट हाईवे और मेन एक कॉलोनी का सड़क है, जब यहाँ इतनी गंदगी है तो और जगह क्या गंदगियों का अंबार होगा, ये साफ देखा जा सकता है। नंदिनी जी, जिस तरीके से रितेश आपने बताया कि 75 घंटे 75 जिले की मुहिम के साथ ये सफाई अभियान का, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 4-5 दिन के अंदर ही फिर गंदगी का इतना अंबार लग गया है, जैसे रंगनी मैं आपको बताऊं कि 75 घंटे और 75 जिले का जो महाअभियान चला था वो 1 तारीख को चलाया गया था और रविवार को समाप्त हो गया। अब 5 तारीख से 12 तारीख यानी 1 सप्ताह का नगर सुशोभन अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जहाँ जहाँ पर गंदगी है वो नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश ए के शर्मा द्वारा कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे गंदगियों का अंबार है उनको साफ कराया जाए, साफ कराने के बाद फिर दोबारा वहाँ पे कूड़े का डंपिंग ना हो, इसके लिए उस जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाए, बाग बगीचे बनाए जाए, वहाँ पर झूले लगाए जाए, वहाँ पर स्कूली बच्चों से मदद लेकर के क्षेत्रीय लोगों से मदद लेकर के और समाज के लिए तो उस जगह को साफ सुथरा करा कर क्योंकि दोबारा वहाँ पर कूड़े का डंप ना हो, सेल्फी पॉइंट बना दिए जाए। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये कहीं नहीं दिख रहा है, ये जहाँ दिख रहा है कुछ जगहों पर हुआ है। हालांकि अभी हम लखनऊ की दिखा रहे तस्वीर आपको, तो लखनऊ का जब आप तस्वीर देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब लखनऊ के स्मार्ट सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हाल है तो और ज्यादा सफाई की क्या व्यवस्था होगी। फिलहाल ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमें भी कूड़ा और गंदगी अपने क्षेत्र में अपने घर के आसपास नहीं करना चाहिए, कूड़े का जो कूड़ेदान रखना चाहिए घर से उसमें डाल करके जो कूड़े उठाने वाली जो इको ग्रीन कंपनियां हैं उनको देना चाहिए। हालांकि अभी मेरी इको ग्रीन कंपनी के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि 3 महीने से उनका वेतन भी नहीं मिला है और 3 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से कूड़े उठाने में भी दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नगरवासी, क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी भुगत रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।